हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर लर्न फ्रॉम होम प्रोग्राम. नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 93, यूनिट 11, द वंडरफुल वर्ल्ड. नाउ वंडरफुल वर्ल्ड, इजेंट इट? हमारे जो अर्थ है, वर्ल्ड में कितनी सारी वंडरफुल ब्यूटीफुल चीज़ें हैं. कलरफुल, इट लुक्स वेरी कलरफुल, राइट? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस दैट प्लीजेज अस. And it is so wonderful. Flowers, trees, many colorful flowers are there. There are trees. Sky में भी हम देखते हैं clouds होते हैं, different different black, white, कभी कभी blue होता है, right? So it's very colorful and it pleases us. Now let's study something like beautiful things on the world, in the world, in this chapter. So let's start. Now see. फर्स्ट एक्टिविटीज़, द क्वीन ऑफ फ्लावर्स. नाउ स्टूडेंट्स, फ्लावर्स तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, राइट? देर आर मैनी फ्लावर्स, देर आर लोटस, लिली, बट रोज़ तो सबको ज़्यादा पसंद होते हैं. देर आर अ नंबर ऑफ फ्लावर्स डैट वी सी अराउंड अस. हमारे आसपास हम बहुत सारे मैरी गोल्ड, सनफ्लावर, रोज़, लिली, लोटस, बहुत सारे फ्लावर देखते हैं. वन ऑफ देम इज़ रोज़, और उसमें से एक क्या है? रोज़. इट हैज़ अ सिम्बल ऑफ लव, डेडिकेशन, डिवाइन अफेक्शन, रिस्पेक्ट एंड सो ऑन. रोज़ इज़ अ सिम्बल ऑफ लव. हम रोज़ देते हैं हमारे फ्रेंड्स को, जिसे हम पसंद करते हैं, राइट? एंड इट इज़ अ सिम्बल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. रोज़ आर ऑल्सो कॉल्ड द दीवाज ऑफ अवर गार्डन. एंड दीवाज ऑफ अवर गार्डन मीन्स हमारे गार्डन में रोज़ के फ्लावर होगा तो उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है. दे ऐड ब्यूटी एंड ब्राइटनेस टू द एनवायरमेंट. और उससे क्या होता है? इट ऐड्स ब्यूटी टू अवर एनवायरमेंट. हैव वी एवर वंडर्ड अबाउट अ लाइफ विदाउट फ्लावर्स एंड कलर्स. क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हमारे अर्थ पे फ्लावर्स ना हो तो कितना कलरफुल नहीं रहेगा? फ्लावर्स ही बहुत कलरफुल होते हैं, रेड, येलो, राइट? बहुत डिफरेंट कलर कलर के फ्लावर्स होते हैं, पिंक, पीच, कितने कलर्स के फ्लावर होते, तो वो कितना अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल. पर अगर फ्लावर्स ही ना हो तो कैसा लगेगा? देर आर मोर देन 100 स्पाइसेस ऑफ रोज अराउंड अस. कितने हैं, कितने तरीके के रोज होते हैं? 100 स्पाइसेस, 100 तरीके के. द नेम रोज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रोजा. अब जो रोज नेम रखा है वो फ्लावर का, वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड रोजा. रोजेज आर वैल्यूड फॉर देयर स्वीट फ्रेगनेंस, मेडिसिनल वैल्यू, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वैल्यू. अब रोज़ की वैल्यू क्या है? उसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी होती है, फ्रेगनेंस, राइट? मेडिसिनल यूज़ वैल्यू भी होता है. जैसे हम कोई क्रीम लेते हैं तो सोप होता है, वो उसमें भी यूज़ होता है, और मेडिसिनल वैल्यू भी होते हैं रोज़ के. ऑर्नामेंटल यानी हम पहनने में भी यूज़ करते हैं, फूलों का हार, गारमेंट होता है, राइट? नाउ गार्लैंड होता है, फ्लावर गार्लैंड, तो उसमें भी रोज़ होते हैं. डेकोरेटिव वैल्यू, रोज़ से हम डेकोरेशन भी करते हैं. कैन वी ट्राई टू बिल्ड अ पोएट्स एंड राइट अ फ्यू लाइन्स टू डिस्क्राइब द रोज़. कैन वी ट्राई टू बी बडिंग पोएट्स, राइटर्स एंड पोएट्स. क्या हम कुछ लाइन्स लिख सकते हैं रोज़ के बारे में? हम चाहे पोएट लिखे या कुछ भी राइटिंग लिखे, पोएट या राइटर्स बन के, कैन वी राइट पोएम और राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन रोज़? हम लिख सकते हैं ना, रोज़ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, देर आर मैनी डिफरेंट कलर रोजेज आर देर, राइट? ऐसे हमें कुछ लाइन्स रोज़ के बारे में लिखनी है. नाउ सी नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज़ द किंग ऑफ रेन. द किंग ऑफ रेन, रेन यानि बारिश. देर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स डैट लीड टू रेन. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से बारिश होती है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सीजन चेंज होती है, राइट? हाउएवर ब्लैक क्लाउड्स आर कॉमनली कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ रेन. और जो ब्लैक कलर के क्लाउड जब दिखते हैं हमें आसमान में, काला बादल हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है. क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. अब स्काई में क्लाउड्स भी बहुत डिफरेंट कलर्स के होते हैं, पता है? ब्लैक, ब्लू, वाइट, कभी कभी ग्रे भी होते हैं. दे एड ब्यूटी टू अवर एनवायरमेंट, डोंट दे? एंड इसके वजह से हमारा स्काई, हमारा जो एनवायरमेंट है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है ना? नाउ हैव वी एवर वंडर्ड हाउ क्लाउड्स कैन बी आइडेंटिफाइड? लेट अस रीड द फॉलोइंग लाइन्स टू नो अ फ्यू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स.
अब हमें पता है कि हम क्लाउड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो लेट अस रीड दिस लाइन्स. नाउ सी, साइरस क्लाउड्स लुक लाइक अ कर्ल ऑफ हेयर. जो कर्ल ऑफ हेयर यानी ऐसे राउंड 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 शेप के होते हैं, कर्ली हेयर कैसे होते हैं, वैसे जो क्लाउड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है साइरस क्लाउड्स. वाइल्ड सेट्रस क्लाउड्स लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन इन द स्काई. अब सेट्रस क्लाउड्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन की तरह दिखते हैं. द निम्बस क्लाउड्स आर द क्लाउड्स ऑफ रेन. नाउ निम्बस क्लाउड जो है वो क्या है, रेन, बारिश के पहले जो क्लाउड्स होते हैं उसे कहा जाता है निम्बस क्लाउड. लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ निम्बस क्लाउड्स. अब सी, ये पिक्चर जो दिया गया है डार्क कलर के जो क्लाउड्स है वो निम्बस क्लाउड्स है. सिंस निम्बस क्लाउड्स आर डेंस विथ वाटर, दे अपियर डार्कर देन अदर क्लाउड्स. अब निम्बस क्लाउड्स में वाटर होता है क्योंकि वो बारिश के है, रेन के क्लाउड्स है, तो इसीलिए वो डार्क कलर के होते हैं, ब्लैक. निम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट लो हाइट एल्टीट्यूड एंड आर टिपिकली स्प्रेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द स्काई. अब जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो लो यानी नीचे थोड़ी लो हाइट पर होते हैं, राइट, क्योंकि बारिश होने वाली है, हैवी हो जाते हैं वो वाटर से एंड वो पूरे स्काई में फैले हुए होते हैं. द निम्बस क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू अर्थ, और उसकी वजह से हमारे यहाँ अर्थ पर रेन, बारिश होता है. नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोयम रेन. हम बारिश रेन के बारे में कुछ पोयम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ वंडरफुल इज द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फियरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन. नाउ रेन हमें कितना ब्यूटीफुल लगता है, राइट, जो बहुत गर्मी होती है और कितना डस्ट एरिया, गर्मी इतनी होती है, डस्ट होता है, फियरी स्ट्रीट मीन्स जहाँ बहुत टेम्परेचर हाई हो और वहाँ पर बारिश होती है, तो कितना अच्छा लगता है इन द नैरो लेन. Now how beautiful is the rain, how it clatters along the roofs like a tramp of hoofs. Now how it gushes and struggles out. Now जब बारिश होती है तो हमारे छत पे जब बारिश गिरती है तो कैसे clatters is a voice, कैसे आवाज़ होता है, right? जैसे tramp of hoofs, जैसे hoofs यानी क्या, जो animals के legs की आवाज़ होता है, तो कितना water का भी आवाज़ होता है. और वो पानी पूरा एक साथ में बाहर की तरफ गिर जाता है, हमारे जो छत पे पानी गिरता है वो फिर नीचे गिरता है ना, gushes out. Now from the throat of the overflowing spout across the window pane and it pours and pours and swift and wide. और जो पानी होता है जो हमारा water का ऊपर छत रूफ के ऊपर जो ओवरफ्लो का होता है उसमें से पानी गिरता है हमारी विंडो पेन यानी जो ग्लास विंडो होती है उसके ऊपर और नीचे की तरफ गिरता जाता है पानी. एंड अ मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर्स रोर द रेन द वेलकम रेन. नाउ जैसे कि पानी होता है वो पूरा मडी टाइड जैसे मिट्टी पूरा उसमें भर के एंड गटर रोड्स मीन्स व्हाट रिवर डाउन द गटर रोड्स यानी हमारी जो छत होती है उस पे से एक कॉर्नर्स हम बनाते हैं जिसके ऊपर जिसके अंदर से वो पानी नीचे गिरता है, राइट, तो उसमें से ऐसा लगता है रिवर नदी आ गई हो, इतने जोर से पानी नीचे की तरफ गिरता है. एंड वी वेलकम रेन द वेलकम रेन. नाउ देयर इज वन मोर lesson that is about stars. We see the stars as tiny points of light in the sky. हमें stars कैसे दिखते हैं sky में, बिल्कुल small small spots की तरह जो light के spots हो ऐसा लगता है ना. They may all look the same but they are not. सारे stars हमें same दिखाई देते हैं कि सिर्फ एक light की तरह, but ये सारे stars same नहीं होते हैं. They range in size, color, temperature, power and lifespans. पर stars different होते हैं, उनकी size भी अलग होती है, color, temperature, power भी अलग होता है और lifespan भी यानी कितना साल तक रहते हैं वो भी अलग होता है. But हमें तो सारे stars एक ही दिखाई देते हैं. Stars are made of mostly hydrogen, which is the most abundant element in the universe. Now जो स्टार्स होते हैं वो हाइड्रोजन इज़ अ वन टाइप ऑफ गैस उससे बने होते हैं, राइट. नाउ हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट यानी प्लेंटीफुल, बहुत इट इज़ वेरी इन लार्ज क्वांटिटी इन आवर यूनिवर्स. वी ऑल हैव लर्न द राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हैव वी एवर वंडर्ड वेयर द स्टार लाइट कम्स फ्रॉम, लेट अस फाइंड इट आउट. नाउ स्टूडेंट्स
हमने डू यू रिमेम्बर इन अवर नर्सरी क्लास वी हैव लर्न द पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमने पोएम पढ़ी थी ना, राइट? सो क्या कभी हमने ये सोचा है कि जो स्टार की लाइट है वो कहाँ से आती है, क्यों वो शाइन करता है इतना? तो चलो वो हम देखते हैं। स्टार गेट्स देयर लाइट फ्रॉम द सन, स्टार को अपनी लाइट कहाँ से मिलती है? सन में से। देयर आर केमिकल रिएक्शन दैट गिव लाइट एंड शाइन टू द स्टार्स, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऐसे होते हैं जिसकी वजह से स्टार को लाइट और शाइनिंग मिलती है, राइट? अब पता चल गया कि क्यों स्टार शाइन होते हैं, राइट? सो दिस ऑल आर वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल थिंग्स इन आवर अर्थ, जिसकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड है इट्स लुक वेरी वंडरफुल। नाउ देर इज़ वन मोर एक्टिविटी, रीड दिस। हैव यू एवर लुक्ड अप इन टू द नाइट स्काई, वंडर जस्ट हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्पेस? क्या आपने कभी रात में स्काई देखा है? तो हम ये सोचते हैं ना कि कितने स्टार्स है स्काई में। दिस क्वेश्चन इज फैसिनेटेड साइंटिस्ट एज वेल एज फिलोसोफर्स, म्यूजिशियंस एंड ड्रीमर्स थ्रू आउट द एजेस। बहुत सालों से ये क्वेश्चन सबको है, साइंटिस्ट भी सोचते हैं, फिलोसोफर्स, म्यूजिशियन, जो ड्रीमर्स, सबको ये से कि स्टार कितने स्टार्स है स्काई में। स्टार्स आर नॉट स्कैटर्ड रेंडमली थ्रू द स्पेस, दे आर गैदर्ड टूगेदर इन टू अ वास्ट ग्रुप नोन एज गैलेक्सी। जो स्टार्स है वो पूरे एक साथ में जब होते हैं स्टार्स में तो उसे गैलेक्सी कहा जाता है। द सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे। अब सन कौन से गैलेक्सी में है? मिल्की वे। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेटेड देर आर अबाउट 100,000 million स्टार्स इन द मिल्की वे अलोन। एक मिल्की वे में ही कितने स्टार हैं? 100,000 million स्टार्स आर देर। आउटसाइड देर देर आर मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज ऑल्सो। ऐसी एक गैलेक्सी में 100,000 million स्टार्स है और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी है। इट हैज़ बीन सेड दैट काउंटिंग द स्टार्स इन द यूनिवर्स इज लाइक ट्राइंग टू काउंट द नंबर ऑफ सैंड ग्रेन्स ऑन द बीच ऑफ द अर्थ। यानी स्टार्स को गिनना उसका मतलब क्या है कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जैसे दरिया किनारे पर जो रेती होती है उसका एक एक ग्रेन, एक एक कण जो हम गिन सके, तो गिन सकते हैं हम? वी कैन नॉट काउंट दैट। वी माइट डू दैट बाय मेजरिंग द सरफेस एरिया ऑफ द बीच, द डिटरमाइनिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ द सैंड लेयर। हम कैसे गिन सकते हैं कि पहले कि कितना एरिया में स्ट्रेंथ सैंड है वो हमें मेजर करना पड़े, और कितना डेप यानी कितना नीचे तक सैंड है ये हम देख सकते हैं। बाकी हम सैंड ग्रेन्स, एक एक सैंड के कण को गिन सकते हैं? रेती को नहीं गिन सकते। सो वी कैनॉट काउंट स्टार्स ऑल्सो। नाउ देर इज वन मोर पोयम, फ्लावर। प्लग दिस फ्लावर, प्लग दिस लिटिल फ्लावर एंड टेक इट, डिले नॉट। आई फियर लेस्ट इट ड्रॉप एंड ड्रॉप इन टू द डस्ट। नाउ सी हियर, इट इज अ पोयम, हियर पोएट इज टॉकिंग अबाउट सनफ्लावर, राइट? जल्दी से सनफ्लावर आपको पता है डे में ब्लूम यानि उगता है, खुल जाता है, और एट नाइट इट ड्रॉप यानी वो गिर जाता है, द प्लग। तो हमें जब दिन में जब ये फ्लावर अच्छी तरीके से खुला हुआ हो तो इट इज सेइंग कि देर मत करो और उसे तोड़ दो, प्लग कर दो। आई मे नॉट फाइंड द प्लेस इन योर गार्लैंड बट ऑनर इट विथ अ टच ऑफ पेन फ्रॉम योर हैंड एंड प्लक इट। नाउ हम गार्लैंड यानी फूल की माला बनाते तो उसमें हम सनफ्लावर नहीं डालते, बट हम ये फ्लावर को तोड़ सकते हैं। I fear lest the day and before I am aware and the time of offering go by। यानी ये फ्लावर हम किसी को दे सकते हैं बट इट इज़ नॉट देयर इन द, मोस्टली आप देखना फूल की माला में ये हार नहीं होता है, बट डे टाइम पर जब ये अच्छे से खिला हुआ है तो रात हो शाम होने से पहले इसे तोड़ लो। तो इट्स कलर बी नॉट डीप एंड इट्स स्मेल बी फैंट, यूज दिस फ्लावर इन योर सर्विस एंड प्लक इट वाइल देर इज टाइम। यानी इसकी भले खुशबू इतनी अच्छी ना हो और कलर येल्लो कलर होता है इसका, ब्राइट येल्लो कलर, तो इसे हम कुछ काम में ले सकते हैं, तो इसे प्लक कर दो और जैसे ही टाइम होते हुए प्लक कर दो, मीन शाम होने से पहले इसे तोड़ दो। नाउ दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, गॉट इट एवरी वन। So now we have completed this unit explanation part. In next lecture, we will continue with our notes. Okay, so bye everyone.